आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है तीज और हमने कैसे बनाई मैं आपको अपने स्टाइल में बताती हूँ। वेल, हम लोग है उत्तराखंड से और ये मेरी सेकंड तीज है। मैं भूल गई थी पहली तीज पर क्या किया था, लेकिन दूसरी तीज पर मैंने और मेरी बहन ने मिलकर ससुराल वालों के लिए कुछ स्पेशल किया। मेरी मम्मी यूएस में है, अभी इंडिया नहीं है, इसीलिए सारी तैयारी मुझे और मेरी बहन को करनी पड़ी। जैसे आप देख रहे हो, हर एक छोटी से बड़ी चीज हम दोनों प्रिपेयर कर रहे थे यहाँ पर। बाकी जैसा कि आपको पता है, तीज पर श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ, घेवर, मट्ठी सब जाती है सासू मॉम के लिए। तो यही सब लेकर हम लोग जा रहे थे अपनी सासू मॉम के पास। और ये भी बोला जाता है कि भाई ही लेकर जाते हैं सारा सामान। हमारे उत्तराखंड में तीज नहीं बनाई जाती, लेकिन मेरे इन-लॉज के घर में बनाई जाती है, तो हमने उन्हीं से पूछ पाछ के सारा इंतजाम किया। सासू माम को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए और फिर बारी आई मेहंदी लगाने की। तीज पर मेहंदी का शगुन हम दोनों ने लगाया और फिर मेरी बहन एक स्वीट सा केक लेकर आई थी तीज पर, तो हम लोगों ने वो भी कट किया हैप्पी तीज मनाते हुए। ये तीज और ज्यादा स्पेशल हो गई क्योंकि इसमें केक भी खाने को मिला, मिठाइयां भी खाने को मिली और बहुत सारी खुशियां। सच में मुझे नहीं पता था तीज का फेस्टिवल इतना ग्रैंड होने वाला है। यहाँ पर रेड कलर की साड़ी जो कि मेरी मम्मी ने सासू माम के लिए पसंद की थी, वो मैंने माम को ओपन करके दिखाई और माम को बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट से बताना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी ये साड़ी। उसके बाद मैंने तय करके साइड रखनी थी, तो मैं तय करने लगी। तय करनी मुझे आती नहीं है, तो मैंने उल्टी सीधी तय करके एक तरफ कर दी। बाकी आम खिलाने की बारी आई तो मेरी सासू माम मेरे बेटे को आम खिला रही थी। यहाँ पर घेवर के साथ साथ मट्टियां भी आई थी। मेरा मन कर रहा था सब टेस्ट करूं, लेकिन सबसे पहले भगवान को और पितरों को चढ़ेगा, उसी के बाद हम सब कुछ खा सकते हैं। एक एक चीज मैं आप सभी को दिखाने वाली थी, लेकिन इतना टाइम था नहीं। यहाँ पर मुझे भूख लग रही थी और डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन तीज पर जो जो दिया जाता है उतना ही हमने दिया। आपकी तीज कैसे बनी मुझे कमेंट से बताना। मेरा भाई आया था तीज का सामान लेके, तो मैं उसके खाली पेट कैसे जाने देती। तो यहाँ पर मैंने उसको हर एक मिठाई खिलाई, बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था मेरी इन हरकतों से, लेकिन उसने मुझे कुछ बोला नहीं, आराम से मिठाई खाई और हंसते हंसते पेट भर के खाना खा के निकल पड़ा। साइड में आप देखोगे ब्राउनी किस तरह सैंडी को देख रहा है, वो चाहता था कि उसको भी एक दो चीजें खिलाई जाए, लेकिन मीठा डॉग्स के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा भी नहीं खिलाया। वैसे ये फेस्टिवल मेरे लिए बहुत शानदार बना क्योंकि मुझे बहुत मजा आया, बहुत हंसी मैं इस दिन। और मेरा प्यारा भाई जिसको भूख भी नहीं थी, उसने भी जबरदस्ती खाना खाया मेरे हाथों से। उसके बाद आई नजर उतारने की बारी, क्योंकि हमारा इवेंट था जहां पर हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो सासू माम को लग रहा था कि मुझे नजर लग गई है, इसीलिए उन्होंने मेरी नजर उतार दी। आई होप आपको ये तीज का फेस्टिवल हमारा अच्छा लगा हो। आपने कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट से बताना। बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना।